हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि प्रेगनेंसी में गर्भवती महिला को ड्रैगन फ्रूट क्यों खाना चाहिए, इससे गर्भवती को क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है। इतना ही नहीं, इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि ड्रैगन फ्रूट गर्भवती को कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए और इसे खाने के दौरान गर्भवती को कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो ये वीडियो बिल्कुल कंप्लीट होने वाली है, इस वीडियो को ध्यान से पूरा ज़रूर देखें। ड्रैगन फ्रूट जिसे इंडिया में कमलम के नाम से भी जाना जाता है, क्या आपको पता है कि ड्रैगन फ्रूट को वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल फ्रूट में से एक माना जाता है। वो इसलिए क्योंकि इसमें वो सारे न्यूट्रिशन पाए जाते हैं जो कि एक सुपर फूड में होना चाहिए। प्रेगनेंसी में ड्रैगन फ्रूट खाने से गर्भवती को और घर में शिशु को कई सारे फायदे होते हैं। ड्रैगन फ्रूट में आयरन की मात्रा भरपूर मात्रा में पाई जाती है जो गर्भवती के शरीर में खून की कमी को दूर करती है। ज़्यादातर गर्भवती महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान खून की कमी हो जाती है। अगर किसी गर्भवती के शरीर में खून की कमी हो जाती है तो इससे उन्हें समय से पहले ही प्रसव हो सकता है या जन्म के बाद बच्चे का डेथ भी हो सकता है या यहाँ तक कि गर्भवती का गर्भपात भी हो सकता है। इसीलिए गर्भवती के शरीर में खून की कमी कभी भी नहीं होनी चाहिए। और आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप कंसीव करते हैं और आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको दो टैबलेट जरूर रिकमेंड करते हैं, एक फॉलेट टैबलेट, दूसरा आयरन की टैबलेट। तो ये दो न्यूट्रिशन प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन होती है। ये दोनों न्यूट्रिशन ड्रैगन फ्रूट में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। फॉलेट प्रेगनेंसी के दौरान शिशु के दिमागी विकास में मदद करता है, साथ ही ड्रैगन फ्रूट में कैल्शियम की मात्रा भी भरपूर मात्रा में पाई जाती है जो कि शिशु के हड्डियों के विकास में मदद करता है। इतना ही नहीं, ड्रैगन फ्रूट में पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो कि गर्भवती के शरीर में इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करता है। जैसी महिला कंसीव करती है तो महिला के शरीर में इम्यूनिटी लेवल काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है जिसके कारण गर्भवती के शरीर पर कोई भी इन्फेक्शन या वायरस आसानी से अटैक कर पाता है। तो जैसी आप कंसीव करते हैं तो आपको अपनी इम्यूनिटी पर खासकर ध्यान देना चाहिए। और जैसा कि आपको पता है कि अभी COVID-19 का सीन है तो इस सिचुएशन में आपको अपनी इम्यूनिटी पर खासकर ध्यान देना चाहिए ताकि आप इस वायरस से बच सके। कुछ दिन पहले मुझे एक न्यूज़ आई थी, किसी गर्भवती महिला को COVID-19 हो गई थी और वो नहीं बच पाई। सो आपके साथ ऐसी दुर्घटना कभी ना हो, इसीलिए आप अपने इम्यूनिटी पर खासकर ध्यान दें ताकि आप इस तरह के वायरस और इन्फेक्शन से बच सके। इतना ही नहीं, ड्रैगन फ्रूट में फाइबर की मात्रा भी भरपूर मात्रा में पाई जाती है जो कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको अपच और कॉन्स्टिपेशन से बचाए रखता है। ज़्यादातर गर्भवती महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान अपच और गैस की शिकायत हो जाती है। सो अगर आप इन सारे प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं तो आपको ड्रैगन फ्रूट का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा ड्रैगन फ्रूट में फ्लेवोनॉइड्स, एस्कॉर्बिक एसिड और फेनोलिक एसिड पाया जाता है जो कि गर्भवती को जेस्टेशनल डायबिटीज से बचाए रखता है। कुछ रिसर्च और स्टडी ये भी बताती है कि ड्रैगन फ्रूट में एंटी ट्यूमर और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होने के कारण ये महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर से भी बचाए रखता है। तो आप सोच सकते हैं कि गर्भवती के लिए ड्रैगन फ्रूट कितना फायदेमंद है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रेगनेंसी में आपको ड्रैगन फ्रूट कब खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है और इसे खाने के दौरान आपको कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी है और क्या प्रेगनेंसी में ड्रैगन फ्रूट खाने से आपको या आपके प्रेगनेंसी को नुकसान हो सकता है या नहीं। आप चाहें तो ड्रैगन फ्रूट को किसी भी फॉर्म में खा सकते हैं। डायरेक्ट आप ड्रैगन फ्रूट को काटकर इसके गुदे को निकालकर आप खा सकते हैं या आप चाहें तो ड्रैगन फ्रूट का सलाद बना सकते हैं या आप इसे फ्रूट चाट के तौर पर भी खा सकते हैं या आप चाहें तो इसे मुरब्बा या शेक के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेगनेंसी में गर्भवती महिला हर रोज एक ड्रैगन फ्रूट बिल्कुल खा सकती है, इससे गर्भवती को कोई भी नुकसान नहीं होता है। आपके लिए बेहतर ये होगा कि आप प्रेगनेंसी के दूसरे तिमाही में ड्रैगन फ्रूट को ज़रूर खाएं। वैसे आप इसे प्रेगनेंसी के किसी भी महीने में खा सकते हैं, इससे आपको कोई भी नुकसान नहीं होता है। लेकिन चूँकि प्रेगनेंसी के दूसरे तिमाही में 3 से 6 महीने के दौरान शिशु का विकास तेजी से होता है, सो इस दौरान अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पोषक तत्वों वाला चीज़ खाते हैं तो इससे शिशु का विकास तेजी से और अच्छे ढंग से हो पाता है। इसे खाने के दौरान आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हमेशा आपको इसके छिलके को उतारकर इसके गुदे को ही खाना है। इसके छिलके को भूलकर भी नहीं खाना है क्योंकि इसके छिलके पर कीटनाशक हो सकती है और आपकी प्रेगनेंसी को नुकसान भी हो सकता है। हमेशा आपको ताज़ा ही ड्रैगन फ्रूट खाना है और इसे खाने से पहले आपको अच्छे से वॉश कर लेना है। अगर हम प्रेगनेंसी में इसके नुकसान की बात करें तो अगर आप ड्रैगन फ्रूट प्रेगनेंसी के दौरान एक लिमिट क्वांटिटी में खाते हैं, एक मॉडरेट अमाउंट में खाते हैं
तो इससे आपको प्रेगनेंसी में कोई भी नुकसान नहीं होता है, इससे आपको सिर्फ फायदा ही होता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि प्रेगनेंसी में अगर आप कोई भी चीज़ एक मॉडरेट और एक लिमिट क्वांटिटी में खाते हैं तो इससे आपको सिर्फ फायदा ही होता है। अगर आप कोई भी फायदे वाली चीज़ अगर ज़्यादा खा लेते हैं तो इससे आपको नुकसान होने शुरू हो जाती है, तो आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। आप चाहें तो ड्रैगन फ्रूट यानी कि कमलम को ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर से भी परचेस कर सकते हैं, या अगर आपके लोकल में ड्रैगन फ्रूट मिलता है तो इसे आपको प्रेगनेंसी के दौरान ज़रूर खाना चाहिए। इससे आपके प्रेगनेंसी को काफ़ी सारे फायदे होते हैं। सो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आपके मन में किसी भी तरह का सवाल है नीचे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसी तरह खास वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए सेहत चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं।